Hey, what's up guys? कैसे हो सारे सारे? I hope सभी बढ़िया होंगे. So, बहुत टाइम से बहुत लोग वेट कर रहे थे फिशल के गाइड वीडियो का, तो here it comes. तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे फिशल के प्ले स्टाइल के बारे में, उसके बिल्ड्स के बारे में एंड ओवरऑल इसकी वैल्यू के बारे में कि गेम में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. तो इस वीडियो का एंड तक देखना ताकि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल सके. वैसे तो फिशल बहुत ही ज्यादा अच्छी कैरेक्टर्स है जो कि मैक्सिमम टीम में इस्तेमाल होती है, बट ये इलेक्ट्रो रिएक्शंस के लिए और इलेक्ट्रो डीपीएस के लिए काफी अच्छी सपोर्ट मानी जाती है एंड मल्टीपल बिल्ड होने की वजह से और एज अ सपोर्ट होने की वजह से आप इसे इजिली बिल्ड भी कर सकते हो. तो लेट्स जंप इनटू इट एंड टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड फिशल. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टैलेंट्स और एबिलिटीज की. तो ये एक ऑफ फील्ड डीपीएस है जो कि इलेक्ट्रो डैमेज डील करती है अपने स्किल में और पार्टी मेंबर्स की हेल्प करती है बिना फील्ड पे रहे. तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल अटैक्स की. तो नॉर्मल अटैक्स काफी सिंपल है. फिशल 5 बारी हिट करती है नॉर्मल अटैक्स और डील करती है फिजिकल डैमेज. उसी के साथ साथ अगर आप इसका चार्ज अटैक यूज करोगे तो ये इलेक्ट्रो डैमेज डील करेगी और कुछ नहीं है नॉर्मल अटैक्स में. तो नॉर्मल अटैक्स इतने जरूरी नहीं है अगर आप इसे ऑन फील्ड डैमेज डीलर नहीं बना रहे. तो बात करते हैं एलिमेंट स्किल की जो कि बहुत जरूरी है एबिलिटी फिशल की और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. प्लस ये डैमेज देती है और इसके बहुत सारे काम है. तो इसके स्किल इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, एक तो प्रेस और एक है होल्ड. होल्ड से आप किसी भी डायरेक्शन पे प्लेस कर सकते हो इजिली एंड प्रेस से इंस्टेंट ये समन कर देगी अपना बर्ड और आप इसका प्लेस भी चेंज कर सकते हो मगर इसका ड्यूरेशन रीसेट नहीं होगा. आई रिपीट, फिशल अपनी स्किल में एक बर्ड समन करती है जिसका नाम है ओज. वो डील करता है इलेक्ट्रो डैमेज. तो जैसे आप इसकी स्किल एबिलिटी यूज करोगे ये पहले स्किल डैमेज देगी जो काफी हाई नंबर होगा इलेक्ट्रो डैमेज. उसके बाद 10 सेकंड्स तक आपका जो ओज है बर्ड वो हिट करेगा एनिमीज को और डील करेगा इलेक्ट्रो डैमेज. इस बर्ड का जो एज ऑफ इफेक्ट होता है एओई वो बहुत ही छोटा होता है, बट अगर आपके पास C2 है तो वो 50% इंक्रीज हो जाता है. रही बात इसके रेंज की, तो इसका रेंज जो है वो लॉन्ग रेंज नहीं है, वो एक क्लोज रेंज या फिर मिड रेंज है. आप इसके साथ रिएक्शन भी कर सकते हो और अपना डैमेज इंप्रूव कर सकते हो इसके ओज का. और ये रिएक्शन डैमेज करना जरूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ द पैसिव. जो फिशल का A4 पैसिव है वो रिएक्शन डैमेज के लिए बहुत ही बढ़िया है ताकि वो डील कर सके इलेक्ट्रो डैमेज इक्वल टू 80% ऑफ फिशल अटैक. तो दैट्स व्हाई फिशल के साथ इलेक्ट्रो रिएक्शन डैमेज करना बहुत जरूरी है और ये ऑफ फील्ड सब डीपीएस का रोल निभा सके. अब बात करते हैं इसके एलिमेंट हिट की. तो ये 10 से 11 बार एनिमी को हिट करती है और ये रिएक्शन करती है हर चौथे हिट पे. तो इसके पास इंटरनल कूल डाउन है जिस वजह से कंसिस्टेंट रिएक्शन नहीं कर सकती है. हर फोर्थ हिट पे ये इलेक्ट्रो अप्लाई करती है और रिएक्शन करती है. बात करते हैं इसके एनर्जी जनरेशन की. तो इसका एनर्जी जनरेशन बहुत ही अच्छा है. ये कम से कम 8 पार्टिकल्स जनरेट कर सकती है अपने स्किल में, वो भी इलेक्ट्रो डैमेज के. बात करते हैं इसके स्नैपशॉट की. तो यस, ये स्नैपशॉट कर सकती है. इसका जो ओज है स्किल और इसका जो A4 पैसिव है वो स्नैपशॉट होता है. तो अगर आप इसको कोई डैमेज बोनस का बफ दोगे तो ये उसको इस्तेमाल कर सकती है. तो ये थी इसकी स्किल एबिलिटी. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 10 सेकंड्स का ड्यूरेशन है और 25 सेकंड्स का कूल डाउन है. तो ये चीज बैलेंस करने के लिए और अप टू टाइम रहने के लिए आपको अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी अल्टीमेट, क्योंकि अपनी अल्टीमेट में देती है इलेक्ट्रो डैमेज नियर बाय जितने भी अपोनेंट्स होते हैं और उसके बाद ओस को समन कर देती है दोबारा से. तो सिंपल वे में बताऊं तो जैसे आप इसकी अल्टीमेट यूज करोगे तो ये खुद अपना फॉर्म चेंज कर लेगी और बर्ड बन जाएगी एंड यू कैन इजिली मूव ऑन अराउंड द एनिमी. ये एनिमेशन अगर आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, बस आपको स्विच करना होगा किसी दूसरे करेक्टर पे और ये एनिमेशन कैंसिल हो जाएगी. तो स्किल यूज करने से और अल्टीमेट यूज करने से आपको अप टू टाइम ओज समन रहेगा ऑन फील्ड 24/7. तो मेक श्योर आपको अल्टीमेट सबसे पहले यूज करनी है अगर आपकी अल्टीमेट रिचार्ज हो रखी है, और अगर आप अपनी स्किल इस्तेमाल करते हो तो स्किल खत्म होने के बाद अल्टीमेट यूज करनी है. और अगर तुमने ये अल्टीमेट तब इस्तेमाल करी जब तुमने ऑलरेडी स्किल इस्तेमाल कर रखी है तो जो ओज का ड्यूरेशन है वो रीसेट हो जाएगा. अब बात करते हैं फर्स्ट पैसिव की. तो फर्स्ट पैसिव काफी सिंपल है बट काफी ज्यादा अनयूजफुल है. जैसे आप अपने ओज को हिट करोगे चार्ज अटैक से वो डैमेज डील करेगा थंडरिंग रेट्रीब्यूशन, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि आपका फील टाइम ज्यादा लगेगा और आप अपने शॉट भी मिस कर सकते हो. तो मैं बोलूंगा अगर आप इस पैसिव को इग्नोर करो तो अच्छा ही रहेगा. तो बात करते हैं इसके टैलेंट्स की. तो सबसे पहले आपको लेवल अप करना है स्किल, उसके बाद अल्टीमेट एंड देन आप नॉर्मल अटैक्स को लेवल अप कर सकते हो. बात करते हैं इसके लेवल की. तो इसको लेवल 90 करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये मैक्सिमम इस्तेमाल होती है रिएक्शन कॉम्स में, और अगर आप डेंड्रो के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको 90 करना बहुत जरूरी है. प्लस उसके साथ साथ ये लेवल 90 पे आपको 24% अटैक भी देगी. अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टेलेशंस की. तो इस पार्ट को मैं बहुत सिंपल वे में समझाना चाहता हूं बिकॉज आप में से बहुत लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं. इसका C2, C3 एंड C6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगर आपके पास C2 या C3 या C6 है तो आप इसे बिल्ड कर सकते हो और फ्यूचर में इसके और कॉन्स्टेलेशन निकाल सकते हो. अब बात करते हैं इसके आर्टिफैक्ट सेट बोनस की. तो देयर इज अ न्यू सेट जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है इसके ऊपर और वो है गोल्डन ट्रूप. ये आप इसको फार्म करके दे सकते हो, इस पे इसका स्किल डैमेज और बूस्ट होगा और इसका पैसिव पूरा का पूरा फिशल इस्तेमाल कर सकती है बिकॉज वो फील्ड पे नहीं रहती. उसके बाद अगर आप चाहो तो डेंड्रो कॉम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो 4-piece गिल्डेड ड्रीम्स. इससे आपको EM मिल जाएगा एंड अटैक मिलेगा, एंड यू कैन ऑल्सो यूज अ 4-piece थंडर फ्यूरी. और अगर आप इसको टीम सपोर्ट के लिए रन कर रहे हो तो आप 4
रुपीज टेनेसिटी भी रन कर सकते हो जिससे आपकी टीम को मिलेगा अटैक बूस्ट। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो लास्ट ऑप्शन यू कैन यूज अ टू पीस सेट बोनस अटैक और इलेक्ट्रो या फिर ईएम के साथ या फिर स्किल डैमेज के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। बात करते हैं अर्ली गेम प्लेयर की, तो अगर आप एक अर्ली गेम प्लेयर हो तो यू कैन यूज अ टू टू सेट बोनस लाइक टू पीस गैम्बल जिससे आपको स्किल डैमेज मिल जाएगा एंड टू पीस अटैक, और यू कैन ऑल्सो यूज अ फोर पीस इंस्ट्रक्टर अगर आप डेंड्रो रिएक्शन कर रहे हैं तो अर्ली स्टेज में, एंड यू कैन ऑल्सो यूज फोर पीस ब्रिजर्कर। तो ये थे बेस्ट आर्टिफैक्ट्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए फिशल के। बात करते हैं सैंड्स गॉबलेट सर्कलेट की, तो सैंड्स में जाएगा अटैक, अगर आप चाहो तो ईएम भी रन कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा पीस है तो। इलेक्ट्रो डैमेज गॉबलेट नेसेसरी कंपलसरी है, और सर्कलेट में यू कैन यूज क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज टू बैलेंस योर रेशियो। बात करते हैं सबस्टेट्स प्रायोरिटी की, तो सबस्टेट्स में सबसे पहले आएगा क्रिट एंड क्रिट डैमेज, अटैक और ईएम इज गुड फॉर फिशल। बात करते हैं फिशल की एनर्जी रिक्वायरमेंट की, तो आप 120 या 130 के आसपास इसको एनर्जी दे सकते हैं, अदरवाइज इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है। बात करते हैं इसके क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज की, तो मिनिमम इसके पास क्रिट रेट होना चाहिए 60+ ताकि ये अपने ओज में क्रिट मिस ना करे, एंड क्रिट डैमेज 130+। और अगर तुम इसको डेंड्रो कॉम्स में इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक और इसको पूरा ईएम पे बिल्ड मत करना, 200 से 250 ईएम काफी है फॉर द डेंड्रोकॉम्स। अब बात करते हैं वेपन की, तो यू कैन यूज एनी 5-स्टार अटैक और क्रिट वेपन ऑन फिशल, बट अगर आप इसको डेंड्रोकॉम्स में इस्तेमाल कर रहे हो तो ईएम काफी बढ़िया रहेगा इसके ऊपर, खासकर स्ट्रिंगलेस R5। इसका पैसिव फिशल के लिए बहुत यूजफुल है। बाकी टीम सपोर्ट के लिए आप चाहो तो एलर्जी ऑफ द एंड भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके पास एली हंटर पड़ा है रिफाइनमेंट R5 तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। F2P क्राफ्टेबल वेपन में यू कैन यूज प्रोटोटाइप, एंड यू कैन ऑल्सो यूज सॉन्ग ऑफ स्टिलनेस, उसके रिफाइनमेंट्स करोगे तो अच्छी बात है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द इवेंट वेपन अगर आपके पास पड़ा है तो आप फेडिंग टॉयलेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका 30% एनर्जी एंड द हाई बेस अटैक एंड द पैसिव इज वेरी गुड फॉर फिशल। तो ये थे बेस्ट वेपन जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फिशल के ऊपर। अब बात करते हैं टीम कॉम्स की, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीडो और फिशल का पेयर बहुत ही अमेजिंग होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बिकॉज बीडो C6 इलेक्ट्रो रेस लो करता है अपोनेंट्स का एंड फिशल का डैमेज और बूस्ट होता है। तो इन दोनों यूनिट के साथ आप कोई भी दो यूनिट रन कर सकते हो और अपना काम आसान कर सकते हो, और ये दोनों यूनिट एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट इसलिए भी है क्योंकि बीडो को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और फिशल उसकी हेल्प करती है। पहली टीम कॉम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एग्रीवेट टीम कॉम, इसमें कचिंग अगर आपके पास है तो आप कचिंग इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप मीको है तो मीको भी इस्तेमाल कर सकते हो विद फिशल एंड काजू एंड याओ, अगर आपके पास नहीदा है तो आप नहीदा भी यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास बायजू है तो बायजू भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड टीम की, तो सेकंड टीम में आपको रिकमेंड करूंगा टेजर टीम, अगर आपके पास बीडो C6 है तो आप फिशल बीडो सुक्रोज और शिंचू रन कर सकते हो, शिंचू आपका डैमेज रिडक्शन करेगा अपने स्किल में, बीडो अपनी अल्ट में, और काफी अमेजिंग डैमेज देखने को मिलता है विद सुक्रोज क्योंकि सुक्रोज ईएम प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास सुक्रोज नहीं है कज़ुआ है तो आप कज़ुआ भी यहाँ पे रन कर सकते हो, वो भी काफी बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास कोकोमी भी है तो आप इस टीम में ऑन फील्ड कोकोमी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी टीम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ओवरलोड टीम, इस टीम में थोड़ा सा क्राउड कंट्रोल करना पड़ता है तो एक एनमो यूनिट की जरूरत पड़ सकती है आपको, अदरवाइज आपके पास कोई रेंज करेक्टर होना चाहिए लाइक योइमिया, तो आप योइमिया के साथ ओवरलोड कर सकते हो विद द रिप्लेस ऑफ रेडन शोगन एंड बीडो को वहां पे डाल के आप ओवरलोड भी कर सकते हो योइमिया के साथ एंड वन शील्ड करेक्टर। चौथी टीम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ओवरवेप अर्ली स्टेज वालों के लिए, अगर आपके पास शेंगलिंग शिंचू और फिशल और बैनेट है तो आप ये टीम रन कर सकते हो, ये टीम काफी अमेजिंग है, यहाँ पे आपको वेप और इलेक्ट्रो चार्ज डैमेज देखने को मिलेगा और काफी बढ़िया रोटेशन होती रहेगी अगर आपकी एनर्जी जनरेशन काफी बढ़िया हुआ तो। और इसी टीम में अगर आप चाहो तो हुताओ को भी रख सकते हो, अगर आपके पास हुताओ ऑन फील्ड DPS है तो आप इसे रन कर सकते हो। अब बात करते हैं इवला मेन्स की, अगर आप एक इवला मेन हो तो सुपर कंडक्ट टीम इस्तेमाल कर सकते हो लाइक फिशल मीका लैला एंड अपनी इवला, इस टीम में काफी अच्छा आपको डैमेज देखने को मिल सकता है एंड मीका C6 होगा तो और भी अच्छी बात है, लैला शील्ड देगी प्रोटेक्शन करेगी क्रायो अप्लाई करेगी एंड फिशल फॉर द सुपर कंडक्ट। बात करते हैं स्प्रेड टीम्स की, तो यू कैन यूज तिग्नारी, अगर आप एक तिग्नारी मेन है तो आप फिशल के साथ तिग्नारी को रन कर सकते हैं एंड कुकिशिनोबू, और अगर आपके पास मीको है तो आप मीको भी रन कर सकते हो और नहीदा भी रन कर सकते हो विद द रिप्लेस ऑफ काजुआ एंड कुकी को हटा के आप याओ भी हीलर रख सकते हो। अब बात करते हैं आखिरी टीम की, तो यू कैन यूज काया शिंचू फिशल एंड बीडो अर्ली स्टेज में, ये टीम भी काफी बढ़िया है और आपको काम आ सकती है। तो ये थे कुछ टीम कॉम्स जो कि मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इन द एंड में बस यही बोलूंगा कि ये कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है, अगर आपके पास C2 या C4 या C6 पड़ा है तो आपको डेफिनेटली बिल्ड करना चाहिए, आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपके अकाउंट को बहुत इंप्रूव कर सकता है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि डेंड्रो आने की वजह से इलेक्ट्रो के भाव बढ़ चुके हैं, कचिंग भी अच्छी हो गई है, ये भी अच्छी हो गई है, बहुत से कैरेक्टर्स अच्छे हो गए हैं, ये पहले से अच्छी थी वैसे बट ये अच्छी अभी भी है, सो इसे कंसिडर कर सकते हो और अपने अकाउंट को इंप्रूव करने के लिए इसे बिल्ड कर सकते हो। और रही बात इसकी सिचुएशन राइट नाउ, तो अभी भी इस्तेमाल हो रही है ये, अभी भी ये कहीं नहीं गई, और नया सेट आने की वजह से इसका डैमेज और बूस्ट हो चुका है। मैं इसके लिए नया सेट फार्म कर रहा हूं बट वो अभी तक मिला नहीं है मेरे को, ना ही फरूना के लिए मिला है ना ही इसके लिए मिला है, इसलिए वो स्टिल मैं उसको फार्मिंग कर रहा हूं, बट उसके साथ परफॉर्मेंस इसकी बहुत 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 अच्छी है। तो मैं बस ये बोलूंगा इंडियन कि ये करेक्टर पसंद है
या ना हो तब भी आपको सोचना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए फॉर द बेस्ट पर्पस, या फिर अपनी टीम के लिए या फिर किसी इलेक्ट्रो डीपीएस के सपोर्ट के लिए आपको इसे बिल्ड कर सकते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन अबाउट द ऑफिशियल। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन से और वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।